आर्य वेद प्रचार मंडल मेवात एवं आर्य समाज पुनहाना के संयुक्त तत्वावधान में विश्व शांति के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में पुनहाना के पंजाबी बरातघर में चल रहे 5 दिवसीय महायज्ञ और श्री राम कथा का अंतिम दिन वेद मंचारण की गूंज व भक्तिमय वातावरण के बीच पूर्ण विधि विधान से समापन किया गया, जिसमें अजमेर से आए ब्रह्माचार्य अंकित प्रभाकर मुख्य यजमान रहे तथा अंतरराष्ट्रीय भजनों उपदेशक कुलदीप ने राम कथा का सुंदर वर्णन किया। कार्यक्रम में आसपास से आए सैकड़ों दंपतियों और गुरुकुल के बच्चों ने सामूहिक यज्ञ कर लोगों को पर्यावरण संशोधन संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के समापन पर आर्य वेद प्रचार मंडल के प्रधान उमेश आर्य ने बाहर से आए अतिथियों को चित्र देकर सम्मानित किया। ब्रह्माचार्य अंकित प्रभाकर ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि वेद मानव जीवन की सुख पूर्वक व्यतीत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने कहा कि आज हम अपनी संस्कृति के मार्ग से भी भटक गए हैं। आज के युवा नशे के आदि बनाकर गलत रास्तों पर चल रहे हैं। प्राचीन काल से चले आ रहे यज्ञ को छोड़कर युवा अपनी संस्कृति बोलते जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति से भटके हुए लोगों को वापस उसी रास्ते पर लाने के उद्देश्य से समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्या नाम है? आचार्य अंकित प्रभाकर, अजमेर से। ये यज्ञ पिछले 5 दिनों से लगातार चल रहा है। इस यज्ञ को ऋग्वेद के मंत्र बोल करके पूरा किया गया है और इस पूरे कार्यक्रम का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि आप देख रहे होंगे समाज में एक संस्कृति लगातार जन्म ले रही है, जिसमें नए बच्चों को ड्रग्स की लत लग रही है, नए बच्चे लगातार गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आप देखेंगे कि आए दिन अखबारों में कोई ना कोई घटना इस तरह की मिलती रहती है कि किसी ने बलात्कार कर दिया, कहीं चोरी हो गई, कहीं किसी ने दूसरे को मार दिया। तो ये सारी घटनाएं हो ही इसलिए रही हैं क्योंकि हम अपनी संस्कृति के मूल से कहीं दूर चले गए। हमारे बच्चों को बचपन से जो धार्मिक संस्कार पहले मिला करते थे, आचार्य कुलदीप जी हैं जो रामकथा लगातार कर रहे हैं, वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम अपने जीवन में क्या क्या सीखा था उन्होंने अपने गुरु से, अपनी माँ से, अपने पिता से। जो एक बड़े से बड़ा लालच, राज्य इससे बड़ा लालच भला किसी व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है, उसे छोड़कर उन्होंने जंगल में जाना स्वीकार किया। नहीं तो आज 100 रुपए के ऊपर दो लोग आपस में लड़ पड़ते हैं। तो ये सारी की सारी जो स्थिति हमें दिखाई दे रही है, खासकर नौजवानों के लिए, ये केवल इसलिए क्योंकि हम संस्कृति को भूल गए। हमने अपने यज्ञ को छोड़ दिया, अपने पूजा पाठ के तरीके बदल दिए और हम चाहते हैं कि दोबारा से वही राम राज्य वापस आए। अभी श्री राम के स्मारक का उद्घाटन होने जा रहा है और इस अवसर पर हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम फिर से उस राम राज्य को लाएं। और राम राज्य का मतलब केवल राम का मंदिर बनना नहीं है, राम राज्य का मतलब है कि भाई भाई आपस में प्रेम करें, एक बेटा अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार करे, भले ही माँ सौतेली क्यों ना हो, उसे अपनी सगी माँ से बढ़ करके समझे। ये परिस्थितियां अगर पैदा हो गई तो फिर से राम राज्य आएगा, बस यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आहुति की बात करें, इसकी आहुति की बात करें, महिलाएं यज्ञ में भाग लिया, महिलाओं ने कितनी आहुति जो है यज्ञ में डाली गई है और क्या इसका लाभ है यज्ञ में? हमने लगभग 2000 आहुतियां इस यज्ञ में डाली हैं और पहले हर घर में हवन हुआ करता था, दिन की शुरुआत ही हवन से हुआ करती थी। और इसका कारण यह है कि हम लोग जो कुछ इस प्रकृति से ले रहे हैं उसका कुछ हिस्सा वापस करना पड़ता है। जैसे एक किसान फसल काट करके थोड़े से बीज वापस खेत में डालता है ताकि फिर से फसल उगे, ऐसे ही हम इस प्रकृति से लगातार ले रहे हैं पर दे कुछ नहीं रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, NCR के आसपास पॉल्यूशन बढ़ गया है और उसके अलावा भी जयपुर आदि शहरों में भी बढ़ रहा है लगातार। कारण क्या है? हम प्रकृति से ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। और इस पॉल्यूशन को दूर करने का सबसे बेहतर जो तरीका है वो यज्ञ है, जिस पर कई शोध हो चुके हैं। जब हम आग में शुद्ध घी डालते हैं, शुद्ध सामग्री डालते हैं, तो वो सामग्री डलते ही आग में
हजार गुना बढ़ जाती है। और इस वातावरण को आप देख रहे हैं, पंडाल में आप आएंगे बैठेंगे या कहीं आपके यहाँ हवन हो तो आप उसके आसपास बैठिएगा, आपको सुगंध आएगी, कभी भी आपको धसका नहीं लगेगा, कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। अगर यज्ञ ठीक से हो रहा है तो सुगंध आएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, बस यही इस यज्ञ का उद्देश्य है। तो 20,000 लगभग 2,000 आहुतियाँ के आसपास अभी हमने डाली हैं और हमारा उद्देश्य है कि इस ऋग्वेद को पूरा किया जाए और इस तरह के 8-10 और यज्ञ होंगे तो पुनहाना पूरा का पूरा क्षेत्र बहुत अच्छा शुद्ध वातावरण वाला हो जाएगा। मेरा नाम है श्वेता आर्य, नमस्ते जी। क्या चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है ये हमारा यज्ञ का जो आयोजन है? ये 5 दिन से चल रहा है और हमारा यही उद्देश्य है कि घर घर तक वेद विद्या का प्रचार पहुंचे। तो इसके लिए हमने ऋग्वेद का पारायण शुरू किया है और ऋग्वेद जो हमारे वेदों में से एक मुख्य वेद भी है, चारों वेद मुख्य हैं वैसे तो, लेकिन प्रथम वेद ऋग्वेद है। तो इसके मंत्र का उच्चारण किया है और इसके उच्चारण को भुसावर की कन्याएं और आचार्य सीमा जी उन्होंने किया है। यहाँ पर लगभग 200 किलो गाय का शुद्ध घी यज्ञ में प्रयोग किया गया है और जो 5 वेदियां बनाई गई हैं और प्रत्येक वेदी पर चार चार जोड़े बिठाए गए हैं और प्रतिदिन जोड़ों को हमने, यजमान जोड़ों को हमने बदल बदल के बिठाने का कार्य किया है। क्या लाभ करने से यज्ञ करने से? जी, यज्ञ करने से जो अपना वातावरण है, जो हम लोग एक तो लाभ ये आप समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो क्या होता है, और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो वातावरण में जब हम शुद्ध देसी घी से, शुद्ध सामग्री से यज्ञ करते हैं तो ये वातावरण शुद्ध होता है और ये प्रत्येक प्राणी तक पहुंचता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वायु हो, चाहे जीव जंतु हो, तो सब तक ये पहुँचता है। तो इसीलिए यज्ञ हमें करना चाहिए, हमें प्रतिदिन घरों पर भी यज्ञ करना चाहिए। जी, हमारी टीम है, हमारी महिलाओं की टीम है, हमने छोटे छोटे बच्चों से संध्या का पाठ करवाया था, सुबह संध्या करवाई है और यहाँ पर हमारी छोटा सा लघु गुरुकुल की तरह चलता रहता है कार्य, प्रतिदिन यज्ञ और संध्या होती है। महिलाएं भी करती है? जी, हमने घर घर महिलाओं के साथ यज्ञ का अभियान चला रखा है, 2018 से हम लोग लगातार इससे जुड़े हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। आज समापन है कार्यक्रम का? आज कार्यक्रम का पूर्ण समापन है, पूर्ण आहुति के साथ समापन कर दिया गया है।